घटनाओं में जैसे कि अपहास यानी कि मजाक को देखते हैं और हंसी इसके अंदर देखने को हमें मिलता है। हिंदी में जो हरिशंकर परसाई जी जो है व्यंग्य रचना के ये बहुत ही बड़े एक प्रमुख लेखक इसमें माने जाते हैं। तो इसमें हमें इसके अंदर आने वाले शब्दार्थों को देखने से पहले इस पाठ का आशय हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे समाज में अच्छाई और बुराई दोनों देखते हैं हम, है ना। तुलसी के दोहे में हमने देखा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, यानी कि दुनिया में भगवान ने करता सृष्टिकर्ता ने क्या किया है, अच्छे और दो बुरे दोनों गुणों को उसके अंदर रखा है मनुष्य के अंदर। तो हमें अच्छाई को अपना कर बुराई को क्या करना है, यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। अच्छाई को अपनाना है और बुराई को छोड़ना है। तो इस तरीके का जो पाठ का आशय इसमें है। और ये भी बताते हैं बेईमानी जो है ये अवगुण है। बेईमानी क्या है, यह अवगुण है। तो इसको हमें क्या करना है, हाँ बिल्कुल इसको हमें छोड़ देना चाहिए। और बेईमानों पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हम बेईमानी से दूर रहें। अब यहाँ पे इस पाठ में बेईमानी को दर्शाते हुए बेईमानी का व्यंग्य करते हुए लेखक क्या कहते हैं कि बेईमानी जो है ये बुरी आदत है, इसको छोड़ने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमें उसको यहाँ पे सीखना है ना। ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ. ಇಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಂದಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಮಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ದೂರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಜ್ ಗಯಾ ಹಾ. ತೊ ಫಿರ್ ಹಮ್ ಇಸ್ಸೆ ಪೆಹಲೆ ಕೆ ಪಾಠ ಕೋ ಹಮ್ ದೇಖೇಂ ಕೆ ಓ जो इस पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं उनका हम परिचय यहाँ पे देखेंगे। किसका परिचय देख रहे हैं हम, हाँ किसका है वो, हरिशंकर परसाई जी का परिचय हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। पहले अब हम देखते हैं लेखक का परिचय। लेखक का लेखक का परिचय पहले हम यहाँ पे पाएंगे, है ना। पहले हम देखेंगे कि इनका नाम, लेखक का नाम क्या है, यहाँ पे क्या है लेखक का नाम, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर हरिशंकर परसाई इस पाठ के लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं, है ना। इनका जन्म हुआ है, हाँ इनका जन्म हुआ 22 अगस्त, कब हुआ 22 अगस्त, 22 अगस्त को इनका जन्म हुआ 1924 अगस्त 22 को इनका जन्म हुआ। किसका, हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ। और इनका जन्म स्थान है कहां पे इनका जन्म हुआ, तो उसको हम देखेंगे। इनका जन्म स्थान है जवानी गांव, कौन सा है वो, जवानी जवानी गांव में इनका जन्म हुआ। ये जवानी गांव है कहां, ये है होशंगाबाद जिला, कहां पे है ये, होशंगाबाद
होशंगाबाद जिला में है, होशंगाबाद जिला है ये, हाँ होशंगाबाद जिला में है, और ये है मध्य प्रदेश में, कहाँ है ये, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है होशंगाबाद जिला। तो वहां के जमानी गांव, जमानी नामक के एक गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनके माता पिता है, इनके माता पिता कौन है वो देखेंगे, इनके माता पिता है ना, हाँ इनकी माता का नाम है चंपाबाई, क्या है चंपाबाई, इनकी माता का नाम क्या है चंपाबाई, और इनके पिताजी हैं झूमकलाल परसाई, झूमकलाल परसाई, झूमकलाल, इनके पिता का नाम क्या है झूमकलाल, झूमकलाल परसाई, कौन है ये, ये हरिशंकर परसाई जी के पिता है, और माता कौन है चंपाबाई, ये दोनों इनके माता पिता हैं, है ना, इनके माता पिता ये दोनों हैं। अब हम हास्य की प्रमुख रचनाएं देखेंगे, प्रमुख रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं यहां पे दिए गए हैं उनको हम देखेंगे। हाँ इनके प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि हंसते हैं रोते हैं, कौन सा है हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, ये इनकी रचना है हंसते हैं रोते हैं। और दूसरा है भूत के पांव पीछे, किसके पांव पीछे है भूत के, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे, ये एक इनकी और एक रचना है भूत के पांव पीछे, ये एक हो गया। और देखते हैं सदाचार का ताबीज, और एक कौन सा है सदाचार का ताबीज, सदाचार, सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज जो है ये भी एक इनकी रचना है। और एक है वैष्णव की पिसलन, वैष्णव, वैष्णव की, वैष्णव की पिसलन, वैष्णव की पिसलन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। समझ गए ना कौन कौन से बताया मैंने, हाँ तो ये जो है इनके प्रमुख रचनाएं जो है हंसते हैं रोते हैं, भूत के पांव पीछे, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं, सारे माफ कीजिएगा रचनाएं हैं। और इन्हें जो मिले पुरस्कार हैं क्या है, इन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, उन पुरस्कारों में प्रमुख है यहाँ पे साहित्य अकादमी, कौन सा है साहित्य, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और दूसरा है शिक्षा सम्मान, शिक्षा सम्मान, शिक्षा सम्मान ये पुरस्कार है जो दिया गया है, शिक्षा सम्मान है। इसके साथ साथ डीलिट, डीलिट, डीलिट का क्या है, डीलिट का विस्तृत रूप क्या है, डीलिट का अर्थ है यहाँ पे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, क्या है वो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर है। फिर राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय शरद, राष्ट्रीय शरद जोशी, राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान,
राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान है, ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित ये महान विभूति जो है इनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई। हरगिज़ यानी कि कभी भी,
तीसरा शब्द क्या है? हल्फिया। तीसरा शब्द क्या है? हल्फिया। हल्फिया शब्द का अर्थ है यहां पे कसम से। आप प्रॉमिस बोलते हैं ना? हाँ वो है कसम से। हल्फिया का अर्थ है यहां पे कसम से। कसम से। फिर चौथा शब्द है तकलीफ। क्या है? तकलीफ। तकलीफ का अर्थ है यहां पे कष्ट, मुश्किल, है ना? तकलीफ का अर्थ क्या है यहां पे? कष्ट यानी कि मुश्किल। कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं? कष्टा। कन्नड़ में कष्टा बोलते हैं ना? हाँ। फिर जलसा का अर्थ है समारोह। जलसा का अर्थ क्या है? जलसा, समारोह। समारोह। जलसा का अर्थ क्या है? समारोह यानी कि उत्सव। कन्नड़ में क्या कहेंगे? उत्सव, समारंभ बोलते हैं ना? हाँ। छठा शब्द है, छठा शब्द जो दिया गया शानदार। क्या है वो? शानदार। शानदार का अर्थ है वैभवयुक्त। वैभव, हाँ वैभवयुक्त, वैभवयुता, है ना? वैभवयुता करने में भी बोलते हैं। फिर सातवां शब्द है वो है डेलीगेट। क्या है वो? डेलीगेट। डेलीगेट, हाँ, तो इसका अर्थ है प्रतिनिधि। क्या है वो? प्रतिनिधि। डेलीगेट का अर्थ क्या है? प्रतिनिधि, जिसके के अंग्रेजी शब्द है डेलीगेट। हाँ, डेलीगेट का अर्थ क्या हो गया? प्रतिनिधि हो गया। फिर आठवां शब्द देखते हैं हम। आठवां शब्द जो यहां पे दिया गया हिचक। हिचक का अर्थ है संकोच। हिचक का अर्थ क्या है? संकोच। कन्नड़ में भी हम संकोचारी बोलते हैं, है ना? संकोच, संकोच है। फिर नवां शब्द, नवां शब्द जो है गनीमत। क्या है वो? गनीमत। गनीमत शब्द का अर्थ है यहां पे खुशी की बात। क्या है वो? खुशी की बात। खुशी की बात। संतोष का विषय, संतोष का विचार, इस तरीके से। फिर दसवां शब्द जो है वो क्या है यहां पे? चश्मा। चश्मा का अर्थ क्या है? ऐनक। चश्मा का अर्थ क्या है? ऐनक। जैसे कि कन्नड़ में क्या कहेंगे हम? कन्नड़का, है ना? अंग्रेजी में स्पेक्ट होते हैं ना? हाँ वो है। दसवा हो गया। ग्यारहवां शब्द है, ग्यारहवां शब्द कागजात। क्या है वो? कागजात। कागजात का अर्थ है कागज पत्र। कागज पत्र, कागज पत्र यानी कि कागज का अर्थ क्या है? कागज का अर्थ क्या है? पेपर, जो हम बोलते हैं ना? हाँ पेपर, फाइल। हाँ, तो यहाँ पे कागज पत्र, कागदा पत्र, कागदा पत्र ना हो कागजा पत्र। फिर बारहवां शब्द है, बारहवां शब्द जो दिया गया हल्ला। क्या है वो? हल्ला। हल्ला का अर्थ है शोर, गलाटे। क्या है वो? शोर यानी कि गलाटे, सद्दू। हाँ। फिर तेरहवां शब्द है, तेरहवां जो शब्द दिया गया वो है हरारत। हरारत, हरारत का अर्थ जो यहां पे दिया गया है वो है हल्का ज्वेल। हल्का, हल्का ज्वेल, हल्का ज्वेल यानी कि
है ना, नमगे ताप हेच्चो तंसत, तो उसको हम क्या कहते हैं, हरारत के नाम पे कहेंगे। 14वां शब्द है, क्या है वो? 14वां शब्द है इत्मीनान, क्या है वो? इत्मीनान, इत्मीनान, इत्मीनान शब्द का अर्थ है भरोसा, विश्वास, भरोसा, विश्वास, भरोसा, विश्वास करने में भी हम विश्वासा कहेंगे। फिर 15वां शब्द है, 15वां शब्द है हरगिज, यानी कि बिल्कुल, हरगिज, हरगिज शब्द का अर्थ है बिल्कुल, खंडिता, बिल्कुल है ना। हाँ, किसी भी दशा में, किसी भी दशा में, किसी भी दशा में, किसी भी दशा में। और जो अंतिम शब्द जो है यहाँ पे 16वां है, उसका जो शब्द वो है सिरहाना। सिरहाना शब्द कहाँ पे सुना है? हाँ, उनसे बाद में गिल्लू पाठ में हमने देखा है। सिरहाना का अर्थ है तकिया, सिरहाना का अर्थ क्या है? तकिया, यानी कि तले जिम्बू पिलो बोलते हैं ना। हाँ, तो ये इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों का मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है। जैसे कि पहला जो शब्द का अर्थ है यहाँ पे पर्दापाश, पर्दापाश का अर्थ है अनावरण है ना। दूसरा है कतई, हरगिज, कभी भी है? क्या है वो? कतई, खंडिता, कभी भी, नवागलु, इस तरीके से है। फिर हल्फिया, कसम से, हल्फिया का अर्थ क्या है? कसम से है ना। हाँ, कसम से, इनकी जिसके हम कानून में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आने हक के बोलना वो, हाँ वो है। फिर तकलीफ का अर्थ है कष्ट, तकलीफ का अर्थ क्या है? कष्ट, यानी कि मुश्किल, करने में भी कष्ट होते हैं। जलसा समारोह यानी उत्सव, समारंभ, उत्सव। शानदार वैभव युक्त, शानदार का अर्थ क्या है? वैभव युक्त, वैभव युक्त वायु तक करता है। दू डेलीगेट, ये अंग्रेजी शब्द है डेलीगेट, तो यहाँ पे उसका अर्थ हो गया प्रतिनिधि। क्या है वो? प्रतिनिधि, कन्नड़ में भी हम प्रतिनिधि ही बोलेंगे। फिर हिचक का अर्थ है संकोच, हिचक का अर्थ क्या है यहाँ पे? संकोच, कन्नड़ में भी हम संकोच बोलेंगे। गनीमत, खुशी की बात, गनीमत का अर्थ क्या है? खुशी की बात, अरे आनंद का विचार, आनंद का विषय। चश्मा एनक, चश्मा का अर्थ क्या है? एनक, एनक का अर्थ क्या है? कन्नड़ का स्पेक्ट जो बोलते हैं। फिर कागजात का अर्थ है कागज पत्र, कागजात का अर्थ क्या है? कागज पत्र, अरे कागज पत्र का रूप। हल्ला यानी कि शोर, हल्ला का अर्थ क्या है? शोर, शोर का अर्थ सद्दु, गद्दला, गलाटे। हरारत, हल्का ज्वर, हरारत का अर्थ क्या है? हल्का सा ज्वर, यानी कि सके हम बोलते हैं है ना। इत्मीनान का अर्थ है भरोसा, यानी कि विश्वास, इत्मीनान यानी कि भरोसा, विश्वास, नबी के विश्वासा। हरगिज, बिल्कुल, कभी भी, कसर, किसी भी दशा में, बिल्कुल, खंडिता, याव संदर्भ लादरू, इस तरीके से। फिर जो 16वां शब्द है सिरहाना, सिरहाना का अर्थ है यहाँ पे क्या है वो? हाँ, क्या है? तकिया, तकिया यानी कि हम कन्नड़ में क्या बोलते हैं इसको? तले दिम्बू, और अंग्रेजी में कहेंगे पिल्लो। तो ये इसमें आने वाले कुछ शब्दार्थ हैं। अब हम इस पाठ को कैसे पढ़ते हैं, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप अपनी अपनी किताबों में उसको देखते जाइएगा है ना। पाठ का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में, ईमानदारों के सम्मेलन में, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया,
जिससे ईमानदार माना जाऊं। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूं। मुझे पत्र मिला, हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं, आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, लेकिन हल्फिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? तो इस तरीके से पाठ को हम क्या करेंगे, सही ढंग से पढ़ते जाएंगे। तो देखिएगा हरिशंकर परसाई जी जो यहाँ पे व्यंग्य के रूप में कैसे उन्हें जो पत्र मिला था उसके बारे में यहाँ पे ये बता रहे हैं। मैंने कतई ऐसा कुछ नहीं किया का अर्थ है हर किस का खंडित वाक्य बनता है केवल सवन्ना मानिला, ऐसा कुछ नहीं किया। इतरतना नेरो मानिला जिससे ईमानदार माना जाऊं, अदृंद ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಮೈನೆ ಹರ್ಗಿಸ್ ಐಸಾ ಕಾಮ್ ಕುಚ್ ಭೀ ನಹೀ ಕಿಯಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಸೆ ಮುಜೆ ಈಮಾನದಾರ ಸಮಝಾ ಜಾಯೆ। ನ ಜಾನೆ ಮುಜೆ ಕೈಸೆ ಯಹ ಭ್ರಮ ಹೋ ಗಯಾ ಕಿ ಮೈ ಈಮಾನದಾರ ಹೂನ್। ಯಾರಿ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಆಯ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನ ಜಾನೆ ಕೈಸೆ ಮುಜೆ ಭ್ರಮ ಹೋ ಗಯಾ ಕಿ ಮೈ ಏಕ್ ಈಮಾನದಾರ ಹೂನ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಮುಜೆ ಪತ್ರ ಮಿಲ, लेखक को यहाँ पे एक पत्र लिखा गया था जो वो पत्र को पा गए और यह पत्र सिगते। अब उस पत्र में क्या लिखा है, आप पत्र दल एक गलती दे उसको हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं, हम लोग नाव गड़ू, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं शहर में ये पट्टण दल्ली एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं, ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, एक ईमानदार सम्मेलन हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, ताओ आप प्रसिद्ध है ना, इस देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, ताओ ई देश का प्रसिद्ध प्रामाणिक व्यक्ति आगिदीरा। हमारी प्रार्थना है, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿ ಆಪ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನ ಕರೆ। ಅದೇನು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನ ಕರೆ। ಇಸ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಉಸ್ ಪತ್ರ ಮೇ ಲಿಖಾ ಹೈ ಔರ್ ಕುಚ್ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರೆ, हम आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। ना सिर्फ आपको कार्यक्रम का उद्घाटन करना है, आपको बहुत सारी सुविधाएं भी हम दे रहे हैं। ನೀವು ಕೇವಲ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ। तो उनमें से वो है आपको आने जाने का पहले दर्जे का किराया, ನಾವು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಸ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ವಸತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರೆಂಗೆ। ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಸುವಿಧಾಯೆ ದೇ ರಹೇ ಹೈ,
कि पहले आने जाने का पहले दर्जे का किराया देंगे, उसके साथ साथ और क्या दे रहे हैं? हाँ, आवास यानी कि रहने के लिए सुविधा भी दे रहे हैं और भोजन की व्यवस्था भी उत्तम ढंग से करेंगे, इस तरीके से उस पत्र में लिखा गया है। और आगे आपके आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। निम्मा आगमन दिंदा, आपके आगमन से निम्मा बरुविके इंदा क्या हो रहा है? ईमानदारों प्रामाणिक हागू उदीयमान ईमानदारों हागे मुंदे बरतकंतह प्रामाणिक व्यक्तिगळिगे ओंदु प्रेरणे अंतकंतदिंद सिगुत्ते। ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಇಸ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಉನ್ಹೇ ಪತ್ರ ಲಿಖಾ ಗಯಾ। ಕ್ಯಾ ಥಾ ಪತ್ರ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋ ಇಸ್ ಶಹರ್ ಮೇ ಏಕ ಇಮಾನದಾರ್ ಸಮ್ಮೇಲನ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ। ಆಪ್ ದೇಶ ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಮಾನದಾರ್ ಹೈ। ಆಪ್ ಇಸ್ ಸಮಾರೋಹ ಕಾ ಜೋ ಉದ್ಘಾಟನ ಆಪ್ಕೋ ಕರ್ನಾ ಹೈ। ಆಪ್ ಆಪ್ಕೋ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾ ಉದ್ಘಾಟನ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಯಹಾಂ ಪೇ ಇಮಾನದಾರೋ ಉದ್ಯಮಾನ ईमानदारों को प्रेरणा मिलेगी, उसके साथ साथ आपको जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, आने जाने के पहले दर्जे का किराया देंगे, आवास और भोजन की उत्तम व्यवस्था भी हम यहाँ पे करेंगे। इस तरीके से इस पत्र में यानी कि लेखक को जो भेजा गया जो पत्र है उसमें लिखा गया था। मैं गया, कौन गए? लेखक हरिशंकर परसाई जी जो है वो उस समारोह में गए, लेकिन हल्फिया कहता हूं कि ईमानदारी के लिए नहीं गया। हल्फिया कसम से कहता हूं मैं, है ना, कसम से कहता हूं कि मैं वहां पे जब गया ईमानदारी के लिए मैं वहां पे नहीं गया था। ईमान से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ईमान यानी कि प्रामाणिकते इंद प्रामाणिक प्रामाणिकते जन के ನನಗೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ। मैं यह हिसाब लगा कर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊंगा और पहले का किराया लूंगा। तो इनकी लेखक की बेईमानी देखिएगा यहाँ पे दिखाई देती है हमें। यहाँ पे क्या वो हिसाब लगा कर है ना, और लेखक हाथ पर होकर तरह क्या है वो दूसरे दर्जे में जाऊंगा एरडने दर्जे ये होते हैं आगे अली मदलने दर्जे बाड़ी नानो इसकोलते हैं। पहले दर्जे का किराया लेंगे लेकिन जाएंगे किसमें? दूसरे दर्जे में ये क्या करेंगे? सफर करेंगे यानी कि जाएंगे। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। कितने पैसे बच रहे हैं यहाँ पे? 150 रुपये उनके यहाँ पे बच रहे हैं। बट और ये 150 रुपये उल्टाय ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ಮೊದಲನೇ ದರ್ಜೆಯ ಬಾಡಿಗೆನ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ यह बेईमानी कहलाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये जो कर रहे हैं जो इनकी सोच है वो सोच क्या है, वो बेईमानी कहलाएगी। अवर योजने अथवा आलोचने ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ। ಹಾ, ಉನ್ ಲೋಗೋ ನೇ ಮುಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ತರ ಕಾ ಈಮಾನದಾರ್ ಮಾನಾ ಹಿ ಕ್ಯೂ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಸ್ ತರೀಕೆ ಸೇ ಯಹಾಂ ಪೆ ಕೌನ್ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರಸಾಯಿ ಜಿ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಸೋಚ ರಹೇ ಹೈ ಸಮಜ್ ಗಯೆ ನಾ। ತೋ ಪಹಲೆ ಹಿ ಯಹಾಂ ಪೆ ಲೇಖಕ್ ಕಿ ಬೇಈಮಾನಿ ಹಮೇ ಯಹಾಂ ಪೆ ದಿಖಾಯಿ ದೇ ರಹೀ ಹೈ। ಕೌನ್ ಸಿ ಹೈ ವೋ ದೂಸರೆ ದರ್ಜೆ ಮೇ ಜಾನಾ ಔರ್ ಪಹಲೆ ದರ್ಜೆ ಕಾ ಕಿರಾಯಾ ಲೇಕರ್ 150 ರೂಪಾಯಿ ಉನ್ಹೇ ಬಚಾನಾ ಹೈ, ಯಹ ಸೋಚ ಉನ್ಕಿ ಥಿ। ಫಿರ್ स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। किसका स्वागत हुआ? लेखक हरिशंकर परसाई जी का स्टेशन पर खूब स्वागत हुआ। अच्छे ढंग से उनका स्वागत यहाँ पे लोग करने लगे। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। लगभग सरी सुमारू 10 हत्तु बड़ी फूल मालाएं ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇ ನಾ ಐಸೆ ಬಡಿ ಬಡಿ 10 ಫೂಲ್ ಮಾಲಾ ದ್ವಾರಾ ಇನ್ಹೆ ವಹಾ ಪೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೆ ಬಹುತ್ ಹಿ ಶಾನದಾರ್ ಸ್ವಾಗತ ಯಹಾಂ ಪೆ ಕರ್ ರಹೇ ಥೆ। सोचा आसपास कोई वाली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। अब लेखक की सोच दूसरी सोच क्या है कि
आसपास अक्का पक्का कोई माली होता यारा तू बोली के तो माली अटक तो रही दी तरह क्या करते फूल मालाएं भी बेच लेता हत्तु दट दट हुमिन हारगला ಇದ್ರಲ್ವಾ ಅವಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ये उनकी दूसरी बेईमानी यहाँ पे दिखाई देती है क्या है वो स्टेशन पर जब उन्हें स्वागत शानदार रूप से स्वागत कर रहे थे उस समय वो सोच रहे थे कि उन्हें 10 लगभग 10 बड़ी बड़ी फूल मालाओं से उन्हें क्या किया गया स्वागत किया गया तो वो सोच रहे हैं कि आसपास कोई माली होता तो क्या करेगा इन फूल मालाओं को भी मैं बेच लेता इस तरीके से वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं सोच रहे हैं है ना हाँ तो कैसे उनको यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं इन इस स्वागत का आप ये जो फोटो है देखिएगा कैसे उनको वहाँ पे स्वागत कर रहे हैं सभी वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उनको बहुत ही शानदार रूप से क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं ये हम यहाँ पे देख रहे हैं है ना हाँ फिर मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया मेरे कमरे के बाएं और सामने दो हॉल थे जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि ठहरे थे मेरे दो ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी मैंने ताला नहीं लगाया उद्घाटन शानदार हुआ मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया देखिएगा मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया किसको लेखक को कहां पे ठहराया गया एक होटल के बड़े कमरे में ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇರಿಸಲಾಯಿತು ಮೇರೆ ಕಮರೆ ಗೆ ಬಾಯೆ ಔರ್ ಸಾಮನೆ ಮೇರೆ ಕಮರೆ ಗೆ ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಯೆ ಬಾಯೆ ಕಾ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಎಡಾ ಹೈ ನಾ ಬಾಯೆ ಹಾ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಬಾಯೆ ಔರ್ ಸಾಮನೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರು ಕಡೆಗೆ ಸಾಮನೆ ದೋ ಹಾಲ್ ಥೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇದು ಜಿನ್ಮೇ ಲಗ್ಭಗ 30-35 ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಠಹರೆ ಥೆ ಜಿನ್ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸರಿಸುಮಾರು 30-35 ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮೇರೆ ದೋ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಸಾಥಿ ಭೀ ಮೇರೆ ಹೀ ಕಮರೆ ಮೇ ಆ ಗಯೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೈನೆ ಸೋಚಾ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ತಾಲಾ ಲಗಾಯಾ ಜಾಯೇಗಾ ತೋ ಇನ್ಹೇ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕೀ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತಾಲಾ ಬೀಗಾ ತಾಲಾ ಕರ್ತ ಕೇ ಬೀಗಾ ಲಾಕ್ ಜೊತೆ ಹಾ ಉಸ್ಕೋ ಮೇ ಲಗಾಕರ್ ಜಾಊಂಗಾ ತೋ ಉನ್ಹೇ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋಗಿ ಜೊ ಕಮರೆ ಮೇ ಔರ್ ಜೊ ದೋ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಜೊ ಥೆ ಉನ್ ಲೋಗೋ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಿ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋಗಿ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಹೋಗಿ ಕಠಿನಾಯಿ ಹೋಗಿ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಹಾ ಉನ್ಹೊನೆ ತಾಲಾ ವಹಾಂ ಪೆ ನಹೀ ಲಗಾಯಾ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಗವನ್ನ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಶಾನದಾರ್ ಹುವಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೈಸೆ ಹುವಾ ಶಾನದಾರ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಹುವಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಘಾಟನ ಸಮಾರಂಭ ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು ಮೇನೆ ಲಗ್ಭಗ 1 ಘಂಟೆ ತಕ್ ಭಾಷಣ ದಿಯಾ ಮೇನೆ ಯಾನಿಕೆ ಲೇಖಕ ಹರಿಶಂಕರ್ ಪರಸಾಯಿ ಜಿ ಜೋ ಹೇ ಲಗ್ಭಗ ಸರಿ ಸುಮಾರು 1 ಘಂಟೆ ತಕ್ ಉನ್ಹೊನೆ ವಹಾಂ ಪೆ ಭಾಷಣ ದಿಯಾ 1 ಘಂಟೆ ಎಷ್ಟು 1 ಘಂಟೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಎಷ್ಟು ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈ ನಾ ಸಮಜ್ ಗಯಾ ತೋ 1 ಘಂಟೆ ತಕ್ ವಹಾಂ ಪೆ ಭಾಷಣ ದಿಯೆ ಅಬ್ ಹಮ್ ಇಸ್ ಪಾಠ ಕೋ यहाँ तक रोकते हैं और जो अगला इसका हिस्सा है हम अगले वीडियो में देखेंगे अब मैं आप लोगों को इसमें आने वाले कुछ व्याकरण के जो अंश हैं उन्हें यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपको समझाऊंगा जैसे कि हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया रूप जो है उसको यहाँ पे लिखना है क्या है वो प्रेरणार्थक क्रिया रूप प्रेरणार्थक के कुछ शब्द यहाँ पे दिए हैं जैसे कि हमने अभी कक्षा में जो देखा था उसे प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हमें इन शब्दों का लिखना है ना हाँ तो फिर अब पहला देखते हैं कि क्या यहाँ पे दिया गया है पहला जो है वो है
ठहरना, क्या है वो? ठहरना। पहला क्या है? ठहरना, है ना। फिर दूसरा जो है वो है धोना। दूसरा क्या है? धोना। फिर तीसरा, तीसरा जो दिया गया वो है देखना। क्या है वो? देखना। हाँ, फिर चौथा जो शब्द है, चौथा शब्द जो है लौटना। क्या है वो? लौटना। पांचवा शब्द है उतरना। पांचवा शब्द क्या है? उतरना। और छठा शब्द है या छठवा है पहनना। क्या है वो? पहनना। तो इस तरीके से छह शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। इन छह शब्दों के लिए हमें प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप यहाँ पे लिखना है। क्वठितकंतः आवश्यकतेगळिगे नाव प्रथम हागू द्वितीय प्रेरणार्थक रूपगळन्नु इल्ली बरिबेकागुत्तदे। तो पहला है यहाँ पे ठहरना। ठहरना के लिए क्या है? ठहराना। क्या है वो? ठहरना, ठहराना, ठहरना, ठहराना और है ठहर पाना, ठहर पाना, है ना। हाँ, फिर धोना। हाँ, धोना के लिए है धुलाना। धोना, धुलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक है धुलवाना। क्या है वो? धुलवाना, धुलवाना हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है? देखना। माफ कीजिएगा, देखना। हाँ, दिखाना। देखना, दिखाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, दिखवाना, है ना। देखना, दिखाना, दिखवाना, ये प्रथम जो मैंने जो पहला लिखा है वो क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। और जो दूसरा लिखा है वो द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है। अब फिर यहाँ पे है लौटना। लौटना, लौट आना, लौटना, लौट आना, लौट पाना, लौट वाना, है ना। लौटना, लौटाना, लौट वाना। फिर उतरना। उतरना के लिए क्या है? हाँ, उतरना, उतारना, उतरना, उतारना और है उतर पाना, उतर वाना, है ना। उतरना, उतारना, उतर पाना। फिर जो छठा शब्द जो है यहाँ पे पहनना। पहनना के लिए क्या है? पहनाना और पहनवाना। पहनाना, पहनाना और है पहनवाना, पहनवाना। इस तरीके से इनके जो प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप जो क्रिया शब्द का भी यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, पहला क्या है? ठहरना, ठहराना, ठहरवाना। दूसरा है धोना, धुलाना, धुलवाना। तीसरा देखना, दिखाना, दिखवाना। फिर तीसरा क्या है? चौथा लौटना, लौटाना, लौटवाना। हाँ, पांचवा उतरना, उतरवाना और उतरवाना। और छठा है पहनना, पहनाना, पहनवाना। इस तरीके से जो प्रेरणात्मक जो शब्द यहाँ पे पूछे जाएंगे तो उसे हम इस तरीके से क्या करेंगे, उसका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। समझ गए ना। प्रेरणार्थक क्रिया शब्द जो है प्रथम और द्वितीय कैसे लिखा जाता है इसको हमने यहाँ पे
देखा। अब मैं गृह कार्य के रूप में आपको दो प्रश्न दूंगा, उसका उत्तर आपको क्या करना है लिख के लाना है। कार्य को अपने जो दे रहा हूं वो गृह कार्य है। गृह कार्य के रूप में दो ही प्रश्न आपको दूंगा, उसको क्या करना है सही ढंग से आपको लिख के लाना है। जिसके पहला शब्द, पहला जो प्रश्न है वो है लेख है, लेख है ना, लेख है दूसरे दर्जे में, लेख है दूसरे दर्जे में, लेख है दूसरे दर्जे में, लेख है दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे, क्यों क्यों सफर, सफर का अर्थ क्या है प्रयाण, क्यों सफर करना, क्यों सफर करना चाहते थे, चाहते थे। हाँ लेख है दूसरे दर्जे में क्यों सफर करना चाहते थे। लेखक यरवने दर्जे की एक एक प्रयाण मार्ग को बताओ अंत हो गया। ये हो गया। फिर दूसरा प्रश्न, फूल मालाएं मिलने पर क्या है वो, फूल मालाएं तक मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूँ। धन्यवाद।